हेलो व्यूवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे पति आकाश एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से संभालते थे, मगर कभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते थे और इसी बात पर मैं उनसे चिढ़ती थी। एक दिन की बात है, मैं सफाई करते करते आकाश की अलमारी तक आई। एक कागज़ नीचे गिरा हुआ था, उसे उठाकर मैं फाइलों में लगाने लगी तो आकाश यूं चौंक पड़े जैसे मुझसे कुछ छुपा रहे हों। फौरन उठकर बिजली सी फुर्ती से फाइल मुझसे छीन ली और अलमारी के अंदर रख कर ताला लगा दिया। मैंने कहा, क्या हो गया है? आकाश बोला, संध्या जानती हो कि ऑफिस का काम है। मैंने गुस्से में कहा, मगर ऐसी भी क्या राजदारी आप मुझसे छुपा रहे हैं? आकाश भी गुस्से में बोला, खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरी अलमारी या किसी भी सामान की तलाशी लेने की कोशिश की। मैं क्यों तलाशी लूंगी? मैंने चिढ़कर कहा, अगर लूंगी भी तो उसमें बुराई ही क्या है? पति हो तुम मेरे, तुम पर मेरा पूरा हक है, मैंने कहा। तो वह चिल्ला उठे और कहा, आइंदा मेरी अलमारी तक आने की कोशिश भी मत करना, वरना ये बात कहते कहते रुक गए। वरना क्या क्या कर लोगे तुम? मैंने भी गुस्से से कहा, तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगा हमेशा के लिए, तुझे मेरे घर में जगह नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक मामूली सी फाइल की वजह से तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे? मैं रोने लगी, हाँ निकाल दूंगा, और आइंदा से तुमने इस फाइल को या अलमारी को छुआ तो। मैंने भी ये कह दिया कि ठीक है, मैं ऐसे इंसान के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती जो एक छोटी सी बात पर ज़िंदगी से निकाल दे, मैंने कहा और कमरे में चली गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया, मगर मजाल है जो आकाश मेरे पास आया हो, मुझे मनाने की कोशिश की हो या मुझे रोका हो। वह अपने कमरे में बैठा अपने काम में बिजी हो रहा था। मैं रो रही थी, अपने पापा के घर जाने का सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं आकाश खाना खाने बाहर आया तो मैं उसके साथ खाने की मेज पर बैठी, अपना सामान पैक करने लगी। मैंने सोचा कि आकाश मुझे कुछ कह दे, माफ़ी मांगकर मुझे रोक ले, मगर उसने तो जैसे दिल पर पत्थर रख लिया था। मैंने सामान पैक किया और आकाश मुझे चुप होकर देखता रहा। फिर मैंने अपना अटैची बाहर निकाला। आकाश खाना खाने के बाद फ़ोन पर बिजी हो गया था। मैं भी अब जिद के रास्ते पर कदम रख चुकी थी, पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मैं गाड़ी में बैठी, मैं अपने माँ बाप के घर चली आई। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। दरवाज़ा मेरी मम्मी ने खोला और मेरी मम्मी सुर्ख आंखें देखकर समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ समस्या हुई है, नहीं तो आकाश से कोई बात हो गई है। मम्मी मेरे पीछे पीछे आई और पूछने लगी, आकाश तो ठीक है? मैं ही पागल हूँ, अपनी औकात से बढ़कर उससे प्यार की उम्मीद लगा बैठी थी, मैंने कहा तो मेरी मम्मी भी परेशान हो गई। शाम को पापा आए तो मैंने अपने पापा को भी ये बात बता दी। मेरी बात सुनकर पापा को गुस्सा आया, कहने लगे, इसकी हिम्मत कैसे हुई वह तुम्हें ऐसी बात कहे? मैं कल ही उससे बात करूंगा, अगर वह नहीं माना तो मैं दोबारा उस घर में तुमको नहीं भेजूंगा। हमें ऐसे आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका कोई भरोसा ही ना हो। पापा की बात तो सही थी, लेकिन इतनी लंबी रिलेशनशिप के बाद अपने पति को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शाम हुई तो मेरे पति का फ़ोन आ गया। वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्से में मैंने ऐसा कह दिया, अब ऐसा नहीं करूँगा, एक बार माफ़ कर दो। उनकी मिन्नत पर मैंने उनका यकीन कर लिया। मैं समझ रही थी कि आकाश मुझे लेने आएंगे, मगर उन्होंने एक और ही काम कर दिया। बोले मुझे बिजनेस के सिलसिले में जाना होगा, वैसे भी तुम अकेली होगी, उससे अच्छा है कि तुम अपने माँ बाप के घर पर ही रहो, मैं तुम्हें एक महीने बाद लेने आऊँगा। आकाश के मुँह से ये बात सुनकर मुझे कुछ शक होने लगा। आखिर ऐसी क्या बात थी? मुझे तो लगने लगा आकाश ने जानबूझकर मुझे घर से जाने के लिए मजबूर किया, वरना कोई भी आदमी इतनी मामूली सी बात पर अपनी औरत को इतनी बड़ी बात नहीं कहता। अगले दिन उनका दोबारा फ़ोन आया, बोले तुम्हारे माँ बाप के घर में कोई काम वाली नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ अपने ऑफिस से एक लड़की को भिजवा देता हूँ,
शादी से पहले यही काम किया करती थी। अब शादी हो गई है इसलिए मैंने उसे काम से हटा दिया था, मगर मैं समझता हूँ तुम्हें अगर काम वाले की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। आखिर फूल को तो ख्याल की ज़रूरत होती है ना। जब उन्होंने ऐसी बात की तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगने लगा जैसे मुझसे खुशकिस्मत औरत इस दुनिया में कोई नहीं होगी। अगले दिन ही उन्होंने एक काम वाली को बाकायदा मेरे माँ बाप के घर पर भिजवा दिया। हमारे घर में कोई काम वाली नहीं थी। मेरे मम्मी पापा के घर ज़्यादा खुशहाली तो नहीं थी कि हम किसी काम वाली का बंदोबस्त करते। बड़ी मुश्किल से घर का इंतजाम चल रहा था। खैर मैं बता रही थी कि उस दिन शाम को एक औरत जिसका नाम सीता था हमारे घर आई। उसकी उम्र 23 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ये बड़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया, मगर मुझे उसके आने की कोई खास खुशी नहीं हुई क्योंकि उसी वक्त मेरा भाई उदय बीमार हो गया। उसको बुखार ने घेर लिया, वह कंबल ओढ़ कर लेट गया। हम सब उसके इर्द गिर्द बैठे थे क्योंकि वही माँ बाप की आंखों का तारा था, मगर वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उदय 10th क्लास में भी 4 साल लगा चुका था जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, मगर फिर भी मेरे माँ बाप की उम्मीद भी उसी से लगी थी। लेकिन एक दिन पूरा बुखार में बीत गया, उदय का बुखार नहीं उतरा। हम सब परेशान थे कि क्या करें। मम्मी उसे ठंडी पट्टियाँ लगाती रहीं, उसका बुखार तो उतर गया था लेकिन फिर भी वह बिस्तर से नहीं उठ पाया। खाना पीना भी वहीं खाता और अपने कमरे में ज़्यादातर बंद रखता। फिर ऐसे में सीता ने हमारी बहुत मदद की। वह घर पर खाना बनाती और सफाई करती, मगर मैंने देखा कि सीता की मेरे भाई उदय से नहीं बनती थी। वह मेरे भाई से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। भाई भी उससे अपने कमरे की सफाई नहीं करवाता था। काफ़ी दिन से वह परेशान और बीमार लेटा था। कमरे की हालात बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने सीता को अपने साथ लिया और भाई के कमरे में आ गई। भैया एक तो तुम बीमार हो, तुम्हारे कमरे में इस तरह गंदगी फैली हुई है, इंसान की तबीयत यूं ही और ख़राब हो जाएगी। तुम अपने कमरे की सफाई क्यों नहीं करवा लेते? सीता तो कह रही है कि तुमने उसे अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दी। मेरी बात पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ सीता ने सही कहा है, मैंने ही उसे मना किया था अपने कमरे में आने के लिए। मैं अपनी सफाई खुद कर लूँगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। भाई ने अपना कंबल ठीक करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से जाओ। मैं अपने भाई को इतने दिनों से एक ही जगह देखकर बहुत परेशानी में थी, मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सीता काफ़ी देर वहाँ बैठी रही और इधर आजू बाजू देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे सीता कोई ज़रूरी बात मालूम करने आई हो, मगर वह अपने मुंह से कुछ नहीं बता पा रही थी। उसकी नज़रें किसी जासूस की तरह इधर उधर घूमते दिखाई दे रही थी। लेकिन मैंने सीता से कह दिया कि तुम के रहने दो, मैं अपने भाई के कमरे की खुद ही सफाई कर लूँगी। भाई ने भी जल्दी जल्दी मुझे और सीता को कमरे से निकाल दिया और खुद उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने मम्मी के पास आकर बैठ गई। मम्मी आखिर बात क्या है, उदय अपने कमरे को हर वक्त बंद क्यों रखता है, किसी से बात नहीं करता, उसे कोई परेशानी है क्या? मेरी बात पर मम्मी सोच में पड़ गई। मुझे लगता है कि मेरे बेटे पर किसी ने काला जादू करवाया है। मैं किसी बाबा के पास जाऊंगी, वह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। मम्मी ने कहा कि वह कल मुझे साथ लेकर बाबा जी के पास जाएंगी। उसी वक्त मेरे पति का फ़ोन आ गया, मेरा हाल चाल पूछने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि भाई की हरकतें अजीब हो गई हैं, हर वक्त कंबल में ही लेटा रहता है, कोई बात नहीं करता, अक्सर दिन को और रात के वक्त बाहर रहता है, घर आता है तो हम सब से बात नहीं करता। मैंने आकाश को अपनी माँ वाली बात भी बता दी कि मेरे भाई के लिए किसी बाबा के पास जाएंगी। पता करना चाह रही थी क्योंकि उनको लगता है कि भाई पर किसी ने काला जादू करवाया है। जभी तो वह चारपाई का होकर रह गया है। मेरी बात से मेरे पति ने भी
कहा था ये ठीक बात होगी, उसको ले जाओ कहीं दिखाओ, लेकिन वे ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, मैं अपने एक जानने वाले बाबा को तुम्हारे भाई का सही से चेक करेंगे, वह ताबीज वगैरह भी देंगे, उससे तुम्हारा भाई तंदुरुस्त हो जाएगा। उनके पास ऐसे पहले कई केस आ चुके हैं जिनमें भूत प्रेत इंसानों को तंग कर रहे थे। देख लेना, बाबा जी का इलाज ऐसा होगा कि तुम्हारे भाई में कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी। मेरे पति की बातों पर मैंने यकीन कर लिया। मम्मी को बताया तो वह भी खुश हो गई, क्योंकि उनको भी अपने दामाद पर पूरा यकीन था। शाम को हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। जी आप कौन? मैंने पूछा। मेरा नाम विश्वनाथ बाबा जी है, मुझे आपके पति ने भेजा है, आपका भाई उदय का इलाज करने आया हूँ। उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतना कम उम्र लड़का मेरे भाई का इलाज क्या करेगा, वह तो खुद मेरे भाई के उम्र का था। फिर उसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। खैर, आकाश ने कुछ सोच कर ही भेजा होगा। यही सोच कर मैं उस लड़के को घर के अंदर ले आई। मम्मी को बताया कि ये भैया का इलाज करने आए हैं। मम्मी उस लड़के को भैया के कमरे में ले गईं। विश्वनाथ बाबा जी भैया के पास बैठकर उनकी नब्ज चेक करने लगे और फिर एक झटके से उन्होंने भाई के ऊपर से कंबल खींच लिया, जिसे बिजली सी तेजी से भैया ने वापस से कंबल फिर से अपने ऊपर लपेट लिया और गुस्से से बोले, तुम मेरा इलाज करने आए हो या मेरी जासूसी? ये बात सुनकर विश्वनाथ बाबा जी को गुस्सा आ गया। मम्मी जी, उसके कंबल में ताबीज है, जब तक कंबल नहीं हटाएगा तब तक आपका बेटा सही नहीं होगा। विश्वनाथ बाबा जी ने कहा तो मेरे भाई का रंग बिल्कुल पीला सा पड़ गया, वह डर गया था। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, ये बाबा झूठ बोल रहा है, मेरे कंबल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और फिर होती तो मैं आपको खुद बता देता। भाई ने कहा तो बेटा तू उसको तसल्ली के लिए कंबल हटाकर दिखा देना, बाबा तुझे इसी हिसाब से ताबीज बना कर देंगे। मम्मी ने भाई को समझाया, मम्मी मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा, मगर अपना कंबल नहीं हटाऊँगा। खैर, भैया को इसी तरह छोड़कर विश्वनाथ बाबा जी चले गए। जाते जाते कहने लगे, आपके भाई का इलाज सिर्फ आकाश के पास है। हम उस बात पर हैरान थे कि आखिर मेरे पति के पास ऐसा कौन सा इलाज है जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं है। शाम को आकाश ने फ़ोन खुद ही किया, बोले क्या तुम्हारे भाई ने उस बाबा जी की बात नहीं मानी? बाबा बता रहे थे कि तुम्हारा भाई काफ़ी बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उसका इलाज नहीं हो सकता। आकाश, मेरे भाई की बीमारी कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या करें? उसके इलाज की काफ़ी कोशिश कर चुके हैं लेकिन सभी नाकाम हैं। मैं बहुत परेशान हुई तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी, तुम फिक्र नहीं करो संध्या, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हें भी लेने आऊँगा और साथ ही तुम्हारे भाई का इलाज भी करूँगा, आकाश ने बड़ी प्यार से मुझसे कहा। मैं चुप होकर शाम तक इंतज़ार करने लगी। आकाश घर आए तो उनके आने से पहले ही मेरा भाई घर से चला गया। जाते जाते उसने अपना कंबल, जो अक्सर वह ओढ़े रखता था, अलमारी में रख दिया और फिर बाहर से ताला लगा दिया और चाबी कहाँ रखता था वह मुझे पता था, मगर ये बात उसको मालूम नहीं थी। उसके बाहर जाने के बाद मेरे पति भी घर आ गए और उन्होंने उदय का पूछा तो मैंने बता दिया कि वह अपने किसी काम से गया है। बोले, तुमने बताया था कि वह अक्सर कंबल ओढ़े रखता है और उसने बाबा जी को भी वह कंबल हटाने के लिए मना कर दिया। देखो, सारी समस्या का जड़ वही कंबल है। तुम ऐसा करो, मुझे अपने भाई के कमरे में ले चलो, उस कंबल को खोल कर देखते हैं, जरूर उसमें ऐसी कोई चीज़ होगी जिसने तुम्हारे भाई को बीमार कर दिया है। आकाश की बात तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने उनकी बात मान ली और भाई की अलमारी के ऊपर से चाबी निकालकर उन्हें दे दी। उन्होंने खुद ही अलमारी का ताला खोल दिया और कंबल उतार कर नीचे रखा। जैसे ही उन्होंने कंबल को फर्श पर रखा, उसमें कुछ हरकत सी पैदा होने लगी।
फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। क्यों आकाश, आप मुझे बाहर जाने को क्यों बोल रहे हो? अभी जाओ, बाद में बताऊंगा। वह गुस्से में थे, मैं डर कर बाहर आ गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर न जाने क्या हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो उनके हाथ में एक काले रंग का थैला था, जिसे लेकर वे बाहर गाड़ी में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ? कंबल में ऐसा क्या था कि मेरे पति ने इतनी जल्दी और जल्दीबाजी में यहाँ से भागने की सोची? शाम को भैया घर पर वापस आए तो आते ही उन्होंने अलमारी खोली, कंबल को गायब पाया और हम सब पर वह बड़ी तेज से चिल्लाने लगा, यहाँ से मेरा कंबल किसने हटाया है, जबकि मैंने सबको मना भी किया था। भाई का गुस्सा देखकर मैं घबरा गई, मगर उससे सच भी नहीं बता सकती थी। मैंने ऐसे कह दिया कि मुझे क्या पता। इस तरह गुस्से में धंधनाते रहे। शाम को हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खाकी वर्दी में पुलिस खड़ी थी। जी बहन जी, उदय को बुलाइए, पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। क्यों, मेरे भाई ने क्या जुर्म किया है? मैंने उससे सख्ती से कहा। फिर मैं आकाश को कॉल करने लगी, आकाश कॉल नहीं उठा रहे थे। शाम से रात हो गई, भाई का कुछ पता नहीं चल रहा था। रात को आकाश खुद ही घर आ गए। मैंने उनसे भाई की मदद करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, मुलजिम की कोई मदद नहीं कर सकता। मुलजिम मेरे भाई ने आखिर क्या जुर्म किया है? अगर जुर्म ना किया होता तो पुलिस वाले उसे क्यों गिरफ्तार करते हैं? मेरे पति ने कहा तो मैंने भी सोच में पड़ गई, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, आकाश ने कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बस अब मेरे भाई को रिहा करवा दीजिए, मैंने उसके बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी आंखों में आंसू थे, तुम्हारे भाई को थाने तक पहुंचाया भी मैंने ही था। मैं ही उसे रिहा दिलवा सकता हूँ, मगर अभी नहीं, कुछ वक्त बाद, उन्होंने कहा तो मैं गुस्से से चिल्ला उठी। आपने मेरे भाई को थाने पहुंचा दिया, क्यों, क्या दुश्मनी थी उसकी आपसे? मेरे गुस्से पर उन्होंने किसी किस्म की खास तवज्जो नहीं दी। आकाश बोले, मेरी बात को गौर से सुनोगी तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, तुम जानती हो कि मैं जंगलों को अच्छे से जानता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की नायाब जानवरों की हिफाजत करूँ, मगर कुछ लोग थोड़े ही पैसों की खातिर अपने देश की कीमती जानवरों को बाहर बेचते थे और फिर वहाँ से बड़े बड़े ग्रुप उनको बड़े महंगे दामों पर बाहर बेच देते थे। ये सब कुछ बड़े पैमाने पर हो रहा था। तुम्हारा भाई बस किसी का मोहरा बना हुआ है। वह कीमती केकड़े और कीमती जानवरों को इकट्ठे करके दूसरे शहरों तक पहुँचाता है। जब मैंने उसे बताया कि तुम ये सब गलत कर रहे हो तो उसने मेरे मामा से बातचीत कर लिया। उसने कहा कि आप मेरी सिफारिश करें, मुझे तब तक तुम्हारे भाई के असल काम का नहीं पता था। मगर जब मामू ने बताया कि तुम्हारा साला एक गैर कानूनी काम कर रहा है तो मैंने सोच लिया कि मैं उस रिश्ते का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पीछे नहीं देखूँगा। मगर बात यह है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, कुछ बड़े पैमाने में हो रहा था। तुम्हारा भाई बस किसी का मोहरा बना हुआ था। वह कीमती केकड़े और कीमती जानवरों को इकट्ठा करके दूसरे शहरों तक पहुंचाता है। जब मैंने उसे बताया कि तुम ये सब गलत कर रहे हो तो उसने मेरे मामा से बातचीत कर लिया और उसने कहा कि आप मेरी सिफारिश करें, मुझे तब तक तुम्हारे भाई के असल काम का नहीं पता था। मगर जब मामू ने बताया कि तुम्हारा साला एक गैर कानूनी काम कर रहा है तो मैंने सोच लिया कि मैं उस रिश्ते का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मगर बात यह है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी तुम्हारा भाई उस काम में मिला हुआ था या नहीं। जब मैंने तुम्हें बहाने से घर भेजा, वहां जाकर जब तुमसे मालूमात लेने की कोशिश की तो
तुमने कुछ खास नहीं बताया, तो मैंने अपने ऑफिस से उस लड़की को भेजा था कि वह अच्छे से पूरी जानकारी दे सके। उसने घर का कोना कोना सफाई के बहाने छान मारा, मगर कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला जिनका जिक्र मुझसे मामू जान ने किया था। मैं मायूस हो गया था कि शायद अब कभी भी कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकूंगा। मामला नाजुक था, इसलिए मैंने जल्दीबाजी नहीं की। फिर भगवान ने ऐसी मदद की, उस दिन तुमने किसी बाबा जी के बारे में बताया था तो तुम बाबा जी की तलाश में हो, तब मैंने अपना ही एक बंदा बाबा जी बनाकर भेज दिया था। उसने जाकर अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारा भाई जानवरों यानी कछुओं और केकड़ों को हर वक्त अपने पास रखता है, वह भी काफ़ी चालाक था। तुम वहाँ गई तो उसे शक हो गया कि शायद तुम उसकी जासूसी करने आई हो, इसलिए तुम पर भी यकीन नहीं करता था क्योंकि तुम एक अफसर की बीवी थी, मगर तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती थी या तो उस बात को सही तरीके से मुझ तक पहुँचा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बाबा जी बनाकर आपके घर भेज दिया था और उसने मुझे बिल्कुल सही जानकारी दी। तब मैं उस दिन जब अचानक से कंबल हटाया तो उसके बिस्तर में केकड़ा और कछुओं दोनों ही थे और मैं उनकी फ़ोटो खींच कर ले गया था, और मैंने इसलिए उदय को गिरफ्तार नहीं किया कि तुम लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने दूसरे ऑफिसर को उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी इमोशनल हार्ट टचिंग कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।